हेलो दोस्तों, पीवी रोबोट टेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको भी टेक वीडियो मिलती रहेगी। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो जो कि दोस्तों मोटर या प्रेशर हमारे हॉर्न आते हैं उसके रिपेयरिंग के ऊपर होने वाला है। ओके दोस्तों, जो कि अपना ये जो पार्ट है दोस्तों ये अपना ख़राब नहीं होता दोस्तों। ओके, जो कि ख़राब होने वाला चीज़ है दोस्तों मोटर है, मतलब क्या होता है दोस्तों, कभी कभी बिल्कुल नहीं चलेगा, कभी कभी चलेगा तो वैक्यूम कम तैयार करेगा। ओके दोस्तों, मतलब जो एयर तैयार करनी चाहिए दोस्तों, जो कि प्रेशर बनना चाहिए दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्रेशर दोस्तों कम तैयार करेगा, तो उससे क्या होगा आपका आवाज़ कम निकलेगा या कुछ कुछ कंडीशन में निकलता भी नहीं। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर यही प्रॉब्लम है, जो वैक्यूम का जो प्रेशर दोस्तों एयर का वो अपना लो है, तो इसकी वजह से आवाज़ कम निकल रहा है। आपको मैं जो दोस्तों प्रेशर है वो चेक करवा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, अभी ये दोस्तों हमारे पास, इसको आपको प्लस माइनस देख लेना है दोस्तों। ये जो है दोस्तों प्लस वाला टर्मिनल है और एक माइनस वाला है, और दोस्तों इधर दो टर्मिनल रहते हैं इसके अंदर, एक जो दोस्तों रहता है कॉइल का रहता है दोस्तों, इसके अंदर प्लस माइनस नहीं रहते, इसके अंदर से दोस्तों दो साउंड निकलते हैं। इसके लिए ये जो दोस्तों दो टर्मिनल है इधर, इसके लिए रहते दोस्तों, इसके अंदर दोस्तों एक प्लेट रहती है, इसकी वजह से इसको कॉइल का सप्लाई मिल गया तो दोस्तों क्या करता है खींच लेता है, तो मतलब यहाँ से जो अपना आउटपुट निकलता है दोस्तों ओपन निकलने लगता है, जो एयर का आउटपुट रहता है दोस्तों ओपन निकलने लगता है। ओके, तो इसका मैंने वीडियो करके रखा है, इसके अंदर रिले कैसे लगाए और इसका कनेक्शन कैसे करना है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो इसको मैं पहले आपको चेक करवा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ये इसको मैंने प्लस दे दिया और ऐसे माइनस दूंगा, तो दोस्तों इसके अंदर से घूम तो रहा है लेकिन जो एयर उसका प्रेशर चाहिए दोस्तों जितना चाहिए उतना है नहीं, तो इसकी वजह से दिक्कत कर रहा है। ओके दोस्तों, तो अभी मैं इसको खोल के बताता हूँ आपको। तो दोस्तों ये देखिए, ऊपर चार स्क्रू है दोस्तों और यहाँ पे दोस्तों तीन स्क्रू है, तो इसको खोलेंगे हम। आपको 4.8 स्क्रू ड्राइवर चाहिए दोस्तों। इसके अंदर जो वैक्यूम तैयार होता है तो चार ब्रश रहते हैं दोस्तों, तो क्या होता है घिसते रहते हैं, जब भी अपना आर्मीचर जब भी घूमता है, जब भी सप्लाई देते हैं दोस्तों मोटर को तो घिसते रहते हैं, तो उससे क्या होता है दोस्तों एयर का प्रेशर तैयार होता है अपना। लेकिन कभी दोस्तों इसके अंदर ग्रीस का मतलब अपना दोस्तों ग्रीस का प्रॉब्लम आ जाता है, मतलब घिसते घिसते क्या होता है दोस्तों ग्रीस खत्म हो जाता है, तो क्या होता है दोस्तों वैक्यूम नहीं तैयार हो पाता, जितना एयर प्रेशर जितना चाहिए उतना नहीं तैयार होगा, तो आपका जो साउंड है दोस्तों कम आएगा। तो अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, देखिए दोस्तों ऐसे ओपन हो जाएगा, देखिए दोस्तों दोस्तों ये देखिए, ये प्लेट रहती और एक नीचे स्प्रिंग रहती है ऐसी, और इसके ऊपर ही ऐसे प्लेट अपनी बैठती है। तो दोस्तों ये जो कॉइल में बोल रहा था ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे दो जो टर्मिनल यहाँ से दोस्तों कनेक्ट है, तो जैसे इसको सप्लाई देते तो दोस्तों ये प्लेट क्या हो जाती है ये नीचे खींच लेता दोस्तों, ऐसे जो स्प्रिंग टेंशन है दोस्तों ऐसे हो जाता है दोस्तों, जैसे ये खींचता है तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है अपना एयर जो है दोस्तों डायरेक्ट निकलने लगता है, मतलब एक सर का अपना आवाज़ निकलता है। और दोस्तों इसको सप्लाई नहीं देंगे तो ऊपर रहता है दोस्तों और ये तो घूमता रहता है, और जैसे आपकी एयर पास होगी दोस्तों तो आपका क्या होता है दोस्तों, एक बार ये इसको एयर मिलेगी, एक बार इसको और दो बार इसको मिलती है दोस्तों, ये जो है दोस्तों इसको सर की मिलेगी और इसको एक बार मिलेगी और इसको एक बार मिलेगी। ओके दोस्तों, तो ऐसे रहता है इसके अंदर। तो अभी और इसको दोस्तों आपको ये जो तीन पेज के से वो खोलने पड़ेंगे, ये पैकिंग आती है दोस्तों, ये आपको लगानी है, भूलनी नहीं है, क्योंकि दोस्तों एयर अपना लीक नहीं मारना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत करता है। इसको दोस्तों तीन स्क्रू रहते हैं, ये देखिए दोस्तों इस टाइप का कुछ रहता है अंदर। तो दोस्तों और आपको ये जो तीन स्क्रू दिख रहे हैं ये खोलने हैं,
दोस्तों इसके बाद आपको जो प्लेट देख रही ये निकल जाएंगे ऊपर से। ओके दोस्तों, इसको दोस्तों कट रहता है, आपको उसी हिसाब से फिर से लगानी है, गलत लगा देंगे तो दिक्कत करेगा। ये देखिए दोस्तों इस तरह से लगेगी। दोस्तों अभी मैं इसको आपको ब्रश निकाल के दिखाता हूँ इसके अंदर के, अभी देख सकते हैं अभी इसके अंदर ग्रीस बहुत कम है, तो इसके लिए इसके वजह से दोस्तों जो वैक्यूम में अपना कम तैयार हो रहा था। ओके दोस्तों, यहाँ से आपका आउटपुट निकलता है जो कि एयर का रहता है दोस्तों। ओके, एयर का प्रेशर यहाँ से निकलता है, जैसे दोस्तों एयर इनके ऐसे घूमते रहते हैं दोस्तों। मैं आपको घुमा के भी दिखाता हूँ, ये एक बार निकल गए तो ये देखिए दोस्तों, ये दोस्तों चार ब्रश आते हैं इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों इस तरह के ब्रश रहते हैं दोस्तों, ये जब भी इसको घिसते हैं दोस्तों तो आपका जो एयर तैयार होता है। ओके दोस्तों, तो एयर तैयार होगा तो यहाँ से आपका आउटपुट निकलता है इसके लिए। ओके दोस्तों, तो यहाँ से आपका जो एयर का प्रेशर है यहाँ से बनता है आपका। ओके, तभी आपका जो आवाज़ है वो पावरफुल निकलता है जो, तो दोस्तों इसका कम बनेगा आपका प्रेशर तो दिक्कत करता है। तभी दोस्तों मैं आपको ये दोस्तों आर्मीचर का जो शाफ्ट है दोस्तों ये, तो एक बार फिर से मैं आपको इसको घुमा के दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो कि दोस्तों अपना आर्मीचर है और इसके अंदर दोस्तों दो ब्रश रहते हैं इस साइड से, तो आपको ब्रश कभी गए होंगे तो आपको ये खोलना पड़ता है दोस्तों। ये जो लॉक देख रहे हैं ना आप, यहाँ से दोस्तों ये बाहर आ जाएगा इसका आर्मीचर और ब्रश, तो इसको आपको ब्रश अल्टर करने पड़ते हैं, जो कि इसके अंदर 4-7 का जो अल्टरनेटर आता है दोस्तों उसके ब्रश इसको अल्टर होते हैं दोस्तों। ओके, तो इसके अंदर अभी वो प्रॉब्लम ही नहीं, तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों इसको ग्रीस लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों अभी इसके अंदर बिल्कुल ग्रीस नहीं, इसके वजह से दोस्तों वैक्यूम में अपना तैयार नहीं हो रहा था। ये देखिए दोस्तों अच्छे से आपको ग्रीस लगाना, अच्छे से आपको इसको तो आपका दोस्तों जो वैक्यूम का प्रॉब्लम रहेगा दोस्तों कम बनने का वो सॉल्व हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो जब भी वैक्यूम बनता है तो दोस्तों आपका अच्छे से उसको स्पीड रहना चाहिए, तो ग्रीस लगाने से आपका अच्छे से उसको स्पीड रहेगा और वैक्यूम ज़्यादा बनेगा। ओके दोस्तों, आपको अच्छे से इसको ग्रीस लगाना है तो जो वैक्यूम है दोस्तों अच्छा बनेगा आपका। ऐसा लगाने के बाद दोस्तों इसका आपको पोजीशन देख लेना है, जो कि दोस्तों उल्टा नहीं जाना चाहिए, दिक्कत करता है। ओके दोस्तों, इसको दोस्तों खाच रहती है तो वैसे आपको बिठाना है। ये देखिए अभी, ये देखिए दोस्तों ऐसे ही बैठना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत करता है। ओके दोस्तों, उसके बाद फिर से आपको क्या करना है दोस्तों, थोड़ा सा इसके अंदर और थोड़ा सा ग्रीस लगाना है और अच्छे से, मतलब ये ब्रश है दोस्तों वो डालना है आपको। ये देखिए ऐसे बैठ जाएंगे, चार ही ब्रश आपको डालने हैं। ये दोस्तों ख़राब नहीं होते, खाली इसको ग्रीस की कमी रहती है, इसकी वजह से दिक्कत करता। उसके बाद दोस्तों आपको इसका पोजीशन देखना है,
ये देखिए दोस्तों, इस तरह से आएगा। ओके दोस्तों, तो इसको देख लेना है आपको, और जो स्क्रू है दोस्तों टाइट करनी है। अभी दोस्तों जो वैक्यूम है अपना अच्छा बनने लग जाए तो आपका जो हॉर्न है वो अच्छे से वर्क करेगा। अभी अच्छे से टाइट कर देना है दोस्तों। अभी दोस्तों इसको फिर से, ये जो दो तीन कट है दोस्तों उसी हिसाब से आपको यहाँ पे लगाना है। ये दोस्तों जो तीन स्क्रू है उसके होल आपके आने चाहिए। ओके दोस्तों, ये देखिए। ये दोस्तों जो तीन स्क्रू है वो लगा देने हैं। दोस्तों अभी इसको देखिए कैसे वर्क करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसको जैसे सप्लाई देंगे तो नीचे खींच लेगा, देखिए आप। ये देखिए दोस्तों, जैसे वर्क करता है दोस्तों, जैसे ये नीचे जाता है तो आपका जो साउंड है दोस्तों एक सर्कल निकलता है, और जैसे ये ऊपर रहता है तो आपका जो साउंड है दोस्तों वो म्यूजिकल निकलता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये स्प्रिंग आपको भूलनी नहीं है, स्प्रिंग एक रहती है दोस्तों इसके अंदर, वो डाल के आपको इस प्लेट को डालना है। ओके दोस्तों, इस तरह से, और उसके बाद आपको जो कवर है दोस्तों इसका ऊपर का जो प्लेट है दोस्तों उसके होल मैच लेक कर लेने दोस्तों। आपको ये जो कट है ये आपके बराबर आनी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, अभी दो चार स्क्रू बचे हुए लगाएंगे। ज़्यादातर दोस्तों इस हॉर्न के अंदर ही प्रॉब्लम आता है, आपको खाली ग्रीसिंग करनी होती है और ओके हो जाता है दोस्तों, नहीं तो फिर ब्रश का प्रॉब्लम रहता है। तो आपको नीचे की जो प्लेट रहती है दोस्तों वो खोल के आपको डालना पड़ता है दोस्तों, ये वाली प्लेट। ये जो ऊपर का जो प्लेट है दोस्तों ये खोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जो नीचे का कवर है दोस्तों ये इसको लॉक रहते हैं दोस्तों, वो निकल लेंगे तो आप आसानी से डाल लेंगे। जहाँ हिसाब से दोस्तों जो ब्रश आते हैं अल्टरनेटर में वो उसको बैठ जाते हैं, थोड़े घिसा के पॉलिश पेपर के दोस्तों घिसने पड़ते हैं और फिर बिठाने पड़ते हैं। तो दोस्तों अभी तो टाइट कर लेना है अच्छे से। चलिए मैं आपको चेक करवा के बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पहले से अभी जो
अपना थोड़ा सा रोटेशन कर गया मोटर, और फिर जैसे ही वैक्यूम बनने लगा तो अपना जो पहले से अपना जो साउंड है दोस्तों वो भी स्मूथ हो गया है। और दोस्तों ऐसे जो प्रेशर है वो भी बढ़ गया है दोस्तों। इसका मैं आपको साउंड सुना देता हूँ। ये देखिए दोस्तों बहुत पावरफुल अपना जो साउंड है वो भी निकल रहा है, जो कि दोस्तों हमने जो ग्रीसिंग की थी उससे क्या होता दोस्तों जो ब्रश जो सूखे घिस रहे थे दोस्तों तो उसको ग्रीस मिल गया, तो जो अपना वैक्यूम है दोस्तों वो बहुत पावरफुल अभी बनने लगा है दोस्तों, जो कि एयर का प्रेशर है दोस्तों यहाँ से बहुत पावरफुल इसको मिल रहा है, तो एकदम जो साउंड है दोस्तों एकदम कड़क निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों एकदम जो साउंड है एकदम कंपन जैसा हो गया है, एकदम नए जैसा एकदम जो है दोस्तों कड़क निकलने लगा है। ओके दोस्तों तो आशा करो तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।